हाँ सर, महात्मा गांधी जयंती भी है, लालू शास्त्री जी की जयंती भी है, क्या कुछ कहेंगी आप? क्या कहेंगे आज तो मेरे लिए बहुत, मैं चंद्रशेखर पुसालकर, मेरी पहचान करो, मैं दादा साहब फाल्के की नाती हूँ जी, उनके लड़की का लड़का, और आज बड़ा दिन है मेरे लाइफ में, 2 अक्टूबर आज गांधी की, महात्मा गांधी का बर्थडे है जी, प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी का, और प्लस ये दिन ही अपना सही दूरदर्शन भी चालू हो गया, तो ये बात जुड़ी है। और आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई ग्रैंड फादर दादा साहब फाल्के, क्योंकि महात्मा गांधी भी मेरे एक रोल मॉडल थे, प्लस मेरे नाना जी के, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्रता उनके सेक्रीफाइस दी, तो मेरे ग्रैंड फादर थे दादा साहब फाल्के ने फिल्म लाइन में आत्मनिर्भरता लाई, क्योंकि सब कुछ फॉरेन का था, लेकिन बाद में दादा साहब ने आत्मनिर्भरता लाई फिल्म लाइन में, तो दोनों का एक महान काम है। वन इज़ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, इज द फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और ये दोनों के सहारे मेरी, मैं ऐसे एक मेरा लाइफ गया, इट वॉज वेरी स्मूथ, पीस आई एम द पीस लिविंग, मेरे पास चांदी सोना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सोने जैसे आदमी को इकट्ठा हमने किए, मैं बोल सकता हूँ। सर, एक दादा साहब फाल्के का पुतला बनने वाला है स्टूडियो में, सही बात, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या आपसे परमिशन ली गई है, क्या आपसे पूरा सहयोग है आपका पूरा, क्या कहेंगे? परमिशन तो मेरे ख्याल से बाद में वो आएंगे, मुझे पता नहीं, दे शुड कम टू मी, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा है अगर ये अभी दो ही स्टैचू है। फाल्के सर का नाम आपने जुड़ा सर, आपके वंशज हो, आपको कुछ कहा गया कि ये कर रहे हैं हम, इस तरह से बातें हुई आपकी? नहीं नहीं, हमारे साथ तो पहले तो कुछ कॉन्फिडेंशियली बात नहीं हुई, ये मुझे एक प्रेस एजेंसी ने मुझे फ़ोन किया, अरे आपको गुड न्यूज़ दे रहा हो कि 17 फीट स्टैचू महबूब स्टूडियो के पास में आ रहा है, और ये इसमें लीड लिया है आज जो तिवारी साहब उनके फेडरेशन ने, और दूसरी बात है जो टाउनशिप हो रहा है उसका भी मुझे पता नहीं था, वो टाउनशिप भी 10,000 कुछ घर है जी, वो शेलू में रायगढ़, तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ भी हमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, एक सवाल और, एक सर, दादा साहब फाल्के के नाम पे आज जितने भी अवार्ड हो रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी आपसे, जैसे किशन जी है और भी कई लोग, मैं नाम लूंगा ना, आप गांधी होंगे शायद, और भी है जो बेधड़क दादा साहब फाल्के का नाम यूज कर रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं, अब कोई कहते हैं पैसे के लिए कह रहे हैं, कोई किसी और के लिए कह रहे हैं, आई डोंट नो, बट क्या उन्होंने कभी आपसे कोई बातें की है? नहीं नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है कि कई कई उनके नाम से जो अवार्ड है वो मैंने सुना है कि पैसा लिया जाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है, और बाद में मैं एक्शन होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए। आप भी वंशज हो तो आपने कोई नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नहीं वो बराबर है, लेकिन मेरे परिवार में बहुत सारे आदमी हैं, जैसा ये दादा साहब परिवार का लड़के के लड़की का लड़का हूँ मैं, मेरे साथ 12-13 लोग हैं, सब इकट्ठा होना चाहिए, आपको पता है इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी मैं क्या कहता हूँ कि इनका कुछ रजिस्ट्रेशन है ना पब्लिक ट्रस्ट का अंडर, तो गवर्नमेंट है दैट लिस्ट अंडर पब्लिक ट्रस्ट, वो लिस्ट फाल्के के नाम कौन कौन कर रहा है उनका एक ऑडिट कीजिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तो व्हाट आई सजेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फाल्के अवार्ड बस है, और एक खाली एनजीओ का एक अवार्ड प्राइवेट बस, ये मेरे कहना है, अभी किसको स्टॉप किया जाए वो गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देश सब सच माल, हमारा ग्रैंड फादर का ब्रांडिंग हो रहा है आजकल, दैट आई एम दुख की बात है मेरे लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं छोटा आदमी, मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ जहाँ मुझे इज्जत मिले जाता हूँ, जब भी बैकडोर से मुझे पता चलता है ये लोग पैसे लेते हो, मैं आई स्टॉप गोइंग ओवर देयर, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे ग्रैंडफादर को बेचा दिया उसका पैसा मिल जाता, सो आई अपील फ्रॉम योर दिस थिंग मीडिया, प्लीज़ स्टॉप ऑल दिस माल प्रैक्टिस, एटलीस्ट हैव ऑडिट ऑफ दिस पीपल हु आर गिविंग यूजिंग द नेम ऑफ दादा साहब फाल्के फॉर गिविंग अवार्ड, सो मेनी आर देयर, I should not, they are the list, public trust के अंदर उसका रजिस्टर नहीं होगा तो देखो क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, एक अवार्ड बाकी काफ़ी है जो दादा साहब फाल्के टॉप अवार्ड, और बाकी एनजीओ का एक अवार्ड रखो, ठीक है, सब मिलके इकट्ठा हो जाए, मैं यही बोलता हूँ, अभी दादा साहब फाल्के अकेडमी चालू किया, बाद में वो अलग सब लोग इकट्ठा हो जाएगा, बाद में उनमें कुछ झगड़ा हो गया, उन्होंने और दो चार चालू किया, ये दुकान हो गया है, यस सर, ये दुकान हो गया है, ये हैरान की बात है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का, लेकिन मेरे ख्याल से
भारत रत्न, अभी मेरे एक इच्छा है, उनको दादा साहब के प्रति इतना प्यार है तो क्यों नहीं वो ट्राई कर रहे उनको भारत रत्न, हम लोग ट्राई करते हैं। वो मेरा वो कहना है ये वो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, तो ये सब ट्राई करना चाहिए, ऐसा मेरे घर। जब भी सिनेमा को 25 साल हो गए 1938 में, तब एक मुंबई में बड़ा ये हो गया था, तभी उसके लिए महात्मा जी के पास कोई गया था कि आपको क्या लगते, तभी महात्मा जी के पास एक गया था कि आप क्या कहना चाहते हैं कि सिनेमा को 25 साल हो गए, तो महात्मा जी बोले, फ्रेंकली बोले कि मुझे तो सिनेमा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मेरा कुछ व्यूज देने का सवाल ही नहीं। तो ये बात दादा साहब को आके किसी ने बोली, आपका क्या कहना है, तो दादा साहब क्या बोले, ठीक है उनको नहीं अच्छी लगती, उनका व्यूज है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बात याद रखो, उनका ऊपर भी पिक्चर आने वाला है, गांधी के ऊपर, बाद में हम देखा बेन किसलर, ये मैं कहना चाहता था। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।